दोस्तों, स्वागत है आपका जिंगाट फैमिली व्लॉग्स पे। दिन की जो है शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे म्याऊ का राशन आ चुका है। अच्छा, हमें घर में जो है घर के लिए राशन भरवाना है, लेकिन म्याऊ का राशन आ चुका है। ये है हमारे म्याऊ का राशन। हर महीने जैसे हमारा राशन भरता है, हमारी चीजें भरती है, वैसे ही म्याऊ के लिए भी चीजें आती है घर में। क्यों म्याऊ? ओए हैप्पी। किसी दिन मैं इसको ऐसे ही बुला रही हूँ दोस्तों, और ये पलट के मुझे जवाब दे दी तो मतलब क्या रिएक्शन होगा मेरा? डर जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी, चौंक जाऊंगी, पता नहीं। बड़ा एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी वायरल होने के लिए। देखो, अपने पास में भी ऐसे बहुत सारे मौके आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम करके वायरल हो सकते हैं, लेकिन अपने को ऑर्गेनिकली बढ़ना है, मेहनत करके बढ़ना है, बस वही कोशिश हर दिन जारी रहती है। अमू गया है दोस्तों नहाने के लिए। मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, और मेरा काऊ यहाँ पर आके वेट कर रहा है। पोहा वोहा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आज ब्रेकफास्ट में पोहा तो नहीं बनेगा, माँ बनाऊंगी। कल वैसे अम्मू को क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कल रात को नहीं यार, सुबह 5:30-6 बजे कुछ ये शीरा बनाया था। अम्मू को ही नहीं, मुझे भी मन कर रहा था कि ऐसा कुछ खाऊं, तो इसलिए मैंने शीरा बनाया था। तो शीरा भी गर्म कर लेती हूँ एंड उपमा भी बना लेती हूँ। बर्तन वॉश किए थे, ये सब लगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। शोना ने जैसे बता दिया, हमने कर लिया म्याऊ की शॉपिंग, और आज जा रहे हैं घर की शॉपिंग करने भी। और हमने रोजमेरी वाला शैम्पू भी मंगाया है मम्मा अर्थ का। मैं बताता हूँ, डोर बंद रहने लगा है। तो ये देखो, हम एक्चुअली ऑनियन शैम्पू यूज कर रहे थे, बट इतना मजा नहीं आया उसमें, मतलब झड़ रहे बाल। तो रोजमेरी वाले से अच्छा अपने को आया था फीडबैक, शोना को बहुत अच्छा ये जमा था, तो रोजमेरी वाला शैम्पू मंगा लिया। बाकी शॉपिंग के लिए अभी अपन जाएंगे अपने फेवरेट स्टार बाजार या डीमार्ट, देखते हैं। तो आज अपन खाएंगे उपमा एंड शीरा इन नाश्ता, एंड देन वी विल लीव फॉर शॉपिंग। अरे अचानक से गर्मी हो रही है, जबकि ठंडी लग रही थी जब सो के उठे थे, तो हवा नहीं चल रही है ना, एकदम बंद हो गया शायद, इसलिए सो के उठे थे तो गर्मी ठंडी लग रही थी, अभी गर्मी लग रही है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जैसे ही नहा के आया हो ना, बहुत ज़्यादा गर्मी। क्या पी लो? मुझे नहीं दिया, पानी था यार। मुझे कुछ पी लो, मुझे नहीं दिया, इतना पसीना हो गया। ले पूछ लो। इसलिए बोलता हूँ जान कि काम शुरू करने के पहले ना किचन में 15-20 मिनट एसी ऑन कर लो, फिर फैन ऑन करो, ठंडे में बन जाएगा। तो तुम नहीं करती हो, फोकट का ऐसा त्रास देके क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी जब घर में कुछ चीज लगे तो यूज कर लो, नहीं होती तो बात अलग थी। बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है, अब तो जुलाई आ चुका है। जुलाई तो सबसे ज्यादा बोलते हैं बारिश है, बारिश है, बारिश है, कहाँ है बारिश? इरिटेट हो रहा है मेरे। नहा के निकला हूँ और इतना पसीना, और सो के उठे थे ना तो इतनी ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा था सर दर्द हो रहा है ठंड के वजह से। और सच बोल रहा हूँ, शोना मेरे को चिल्ला रही थी कि एसी क्यों ऑन किया, ठंड के वजह से सर दुख रहा है। और अभी देखो, नहा के निकले और पसीना, जरा भी हवा नहीं चल रही है ना। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मीरा रोड में ज्यादा गर्मी है। हाँ, और मीरा रोड में बारिश कम होती है, ऐसा लगता है बहुत कम होती है। 2-3 साल से तो मैं देख रही हूँ, गोरेगांव में अपन सुनते बारिश हो रही है, यहाँ होती ही नहीं है, वैसा सीन है। वैसे जान, थोड़ा ही शॉपिंग करना है ना अभी अपने को। पिछले महीने का बहुत कुछ है बचा हुआ है, तो जो नहीं बचा है, मतलब जो खत्म हुआ है, बस वही लेने वाले हैं। ओके दोस्तों, उपमा रेडी है दही के साथ। यहाँ पे दूध गर्म कर दिया था, अभी चाय रखूंगी। और ये अपना शीरा ना कल बहुत टेस्टी बन गया था, एकदम मजेदार। खिड़कियाँ यार, थोड़ा सा भी काम करो ना, बंद करना पड़ता है, बिकॉज अपने को छिपकली से डर है, बहुत ज़्यादा डर। रिक्शे से चलते हैं, रिक्शे से आएंगे, लेकिन थैली प्लीज ले लो यार, फोकट का 30-30 रुपए जाता है एक थैली पे। ये क्या ऑलरेडी निकाली है? हाँ, वो निकाल लो, टैक्स पता चला वो बोलेंगे अंदर से ही लेके आए, अपन पिछले बार का ही नहीं निकाले ना, नहीं निकाले। तो 3 बैग्स है अपने पास। वो गोनी वाला भी लेंगे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से हो जाएगा इतना कुछ, इस बार हो जाएगा 3 में। फिर मेरे को लग रहा है इसमें हो जाएगा 3, वो तुमको लगता है उसमें होगा? देखो, अपने को राइस लेना है, राइस लेना है, आटा लेने की जरूरत नहीं है। पोहा लेना है अपने को, दाल में भी अपने पास में है 1 दाल, बस अपने को 1 मूंग दाल लेनी है। उपमा लेना है, मतलब रवा। हाँ, रवा लेना। बेसन, बेसन लेने की जरूरत नहीं है, बेसन भी है अपने पास में। और तो मेरे ख्याल से 3 में हो जाएगा क्या? वैसे तो हो जाएगा, बेसिक चीज है। वेजिटेबल्स लेंगे अपन, थोड़ा सा वेजिटेबल्स लोगे। अभी बचा होगा क्या? दिन खत्म होने हैं, देखते हैं, अगर रहेगी तो लोग भरते हैं ना शाम के टाइम पे लौट, अगर रहेगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। तो वो रखे तुम बोल रहे हो, इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं। लेने वाले नहीं है अपन इतनी चीजें। 3 बैग है ना वो। हाँ 3 मतलब जान ये तो पता है ना तेरे को वेस्ट है वो, इतना कुछ आता नहीं है। ये देखिए एक बैग है, मेरे ख्याल से फिर भी हो जाएगा 3 में समझ। इसमें देख अपने वो आ गए पोहा, रवा, दाल बाल, इसमें आ गया तेल वेल, ठीक है गिनती का ही देख लेते हैं। और इसमें अपना भाजी अगर मिला तो वो आ गया। और ये छोटी मोटी चीज के लिए हाँ वही मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उतना लेके कौन घूमेगा अंदर। नहीं हुआ तो फिर 30 रुपए डालना पड़ेगा। 30 रुपए का एक और ले लेंगे तो फिर अगली बार के लिए फिर इतना ही काफी रहेगा। ओके चले अब निकले जान, बहुत लेट हो रहा है मेरे को। 10:30 बजे लॉग इन भी करना है, 7:30 हो गया। नहीं नहीं ना, रिक्शे से जाएंगे, रिक्शे से आएंगे, इसलिए तो तुमको स्कूटी भी चलाने नहीं दे रही हूँ। हाँ थैंक यू बोलो। हाँ चल स्कूटी ले, स्कूटी ले, स्कूटी चलाना बहुत बड़ी काम है ऐसा बोला। स्कूटी ले, कैमरा चालू था, नहीं लेने का कैमरा चालू था। बहुत अच्छा लगेगा गाइस, देखो रोजमेरी से बाल शोनू पे कितने वॉल्यूमाइज हो गए। वो एक्चुअली ऑनियन से दबा हुआ था, नहीं वो ऐसे चपटा रहता था और ऐसा लग रहा था टकले हो रहे, जबकि नहीं जान हमारे बराबर है। मेरे दोस्तों बाल वैसे भी ना बचपन हम लोग की जोड़ी देखो ना गाइस, शोना की और मेरे भी आप लोग को लगता होगा मैं टकला और बाल जड़, बट मेरे बाल कम ही है जैसे नॉर्थ ईस्ट के होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मेरे वैसे ही बाल है, मेरा लुक भी थोड़ा वैसे ही है। बस साला मेरे को ऑफिस में सब नेपाली सेम लगते दोस्तों, भाई बहन। शॉपिंग 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 ऐसा कर रहे जैसे मेरे को बहुत कपड़े वॉच और ये सब दिलाने दे रहे, राशन ही खरीदना है तो घर के लिए चीजें खरीदना है। बटर आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, बटर आ जाएगा तो मस्त मेरे पाव में बटर लगा के मैं रात को चाय पी सकता हूँ। एक बार कपड़े पहनने के लिए ना हो ना दोस्तों चलता है, खाने के लिए होना चाहिए इंसान को। तो घर से निकल गए थे, जिंदगी अभी अलग हो गई है जब से अम्मू की शिफ्ट चेंज हुई है। अब हम सब कुछ रात में करते हैं, दिन में हम कुछ नहीं करते, सोते हैं दोस्तों। अगले हफ्ते शोना का बर्थडे है, थर्सडे को। हाँ 11 तारीख को पिट्टी हो जाऊंगी। क्या है बर्थडे का, आके फटाक से चले जाएगा, जुलाई कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कल भी दोस्तों बोलता है कि बर्थडे तेरा आएगा और मम्मी की ट्रेन के साथ वापस चले जाएगा। वैसे दोस्तों मम्मी ने टिकट निकाली है, मम्मी आ रही है एक दिन के लिए सही, लेकिन मम्मी आ रही है, बहुत खुशी है। मम्मी शोना के साथ रहे, इस बार मम्मी पापा जा रहे थे तो शोना थोड़ी इमोशनल थी ना, तो वो देख के मम्मी ने बोला मैं आऊँ क्या, और मम्मी आ रही है। चलो शादी के बाद ही सही फर्स्ट बर्थडे पर मम्मी आ रही है, नहीं तो लास्ट बर्थडे हम लोग गए थे गाँव है ना, जाके याद है पापा कोविड के बाद ठीक हुए थे तब। लास्ट। चलो दोस्तों जाते हैं स्टार बाजार, वहीं से करने वाले शॉपिंग, बिकॉज डीमार्ट में यार बहुत रश रहता है, नहीं जमता है, डीमार्ट में नहीं जमता भाई। 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में टाइम वेस्ट, भीड़ बहुत, और अच्छे से सामान देख के नहीं लेता। और अम्मू का काम भी है ना अभी, तो फटफट सब निपटाना है। तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। और दोस्तों स्टार बाजार सब इनमें लॉक क्यों रहता है, देख के ले आ फिर तू किड़किड़ कुड़कुड़ करते रहता है। आ गए दोस्तों स्टार बाजार में, कोल्ड ड्रिंक वाला सेक्शन। आजा लेना है क्या कोल्ड ड्रिंक तुमको, ले लो ले लो, कभी भी मेहमान आते तो काम आता है। मम्मी ने ऐसे बोला था कुछ तो रहना चाहिए घर में, तो ठीक है। कितने में मिल रहा है माजा? 54 में 1.5 लीटर। कोक मत जान, वो खुल जाती है तो उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, इसलिए हाँ चाहिए तो स्प्राइट ले या तो फिर मिरिंडा ले। फिर है मोनाको 60 रुपीज़ का मोनाको दोस्तों, नहीं बस है 2 लिया बस है जान, फालतू चीज़ें लेने को चाहिए दोस्तों। वो 65 में आया है, 30 रुपये में आया, क्या मतलब है। तुम तो वैसे भी तुम्हारे हलक के नीचे से तो नॉर्मल चाय के सिवा कुछ और निकलती नहीं है, और इनको ग्रीन टी देखना है, चल पागल। नहीं जान 11 रुपये का एक है, तुम नीचे से 50 का 3 लाई थे, अच्छे ही होंगे वैसे तो। और वो दशहरी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दशहरी यहाँ पे 125 है, अपने इधर 100 रुपये है। एप्पल ले लिया है मैंने अराउंड आधा किलो, 11 रुपये का एक है, ले लो। हाँ सही लग रहा है वैसे यार, एप्पल के मस्त मस्त वैरायटी थे, एप्पल फ्यूजी वगैरह भी है, वही लोगी मगर रॉयल गाला। प्राइस देख लो गाइस, लेटेस्ट प्राइस इन स्टार बाजार। जान बैंगन ले लो, कितना लोगे? आधा किलो, पाव किलो? बैंगन तो खाते हैं अपन, आधा नहीं ले सकते क्योंकि आधा तो खराब हो जाता है ना। फ्रेश लग रहा है ना उल्टा जाना आज वेजिटेबल्स, क्यों रहे ऐसा? अरे देखो फ्रेश फ्रेश एकदम। जिंजर ले लो, जिंजर ले लो, फिर लेमन तो अपने पास में है, मिर्ची थोड़ा ही लेना क्योंकि है अपने पास में ऑलरेडी। देखो छोटा छोटा यहाँ से उठाओ, हाथ संभालना, इधर उधर मत लगा देना। खराब अगर है तो फिर रहने दे जान, मैं नीचे से ले आऊंगी, समझ बात को, क्योंकि है मिर्ची, छोड़ जब लगेगी ना तब ले लूंगी। नहीं नहीं है अभी, क्यों जबरदस्ती का, ये फिर ये भी सूखेगी ना मिर्ची घर पे जाके। भिंडी नहीं, भिंडी पूरी वो हो चुकी है। टमाटर लेते हैं, प्याज लेते हैं, आलू ले लो, वही 1 किलो। कितना है ये? 2 किलो है ना ये भी, ठीक है। खाओगे पालक? हाँ, कड़ी पत्ता तो दोस्तों भरपूर है अपने पास में। फ्लावर देखते हैं यार, फ्लावर देखो आज भी खत्म यार, नहीं है दोस्तों। कैबेज 29 रुपीज़ पर पीस है, लेकिन फ्लावर नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ कम हो गया है। अभी ये जो रखा है दोस्तों ये 2 केजी तो बिल्कुल लग नहीं रहा है ना, तो हम लोग वहाँ पे वज़न करा लेंगे और तभी लेंगे वो। टोमेटो यहाँ पे ना 72 केजी है, लेकिन सब देखो कैसे हो गए यार। बटर लेते हैं, बटर वही वाला लेते जाए है ना। मसाले के सेक्शन में हो दोस्तों, मसाले देखते हैं क्या लेने हैं। राय और जीरा लिया दोस्तों। ऑयल्स के रेट देख लो, 119 का है जो मैंने जो अपन लेते हैं। ले लो कितना, 3 पैकेट। नहीं नहीं यही अपने को सही रहता है। तूर दाल का प्राइस देख लो दोस्तों, 175 है। पाव पाव बस है, बस पोहा और रवा लेना है। अभी हम वहाँ से पोहा ले रहा है दोस्तों, पैकेट वाले ही, स्टार के ही है, क्योंकि ना लूज में अभी है ही नहीं अवेलेबल। वो पूछने गए और अभी तक आए ही नहीं है। बकेट लेने क्यों? बकेट लेंगे जब है घर में बकेट। जबरदस्ती करता है दोस्तों ये आधे से ज़्यादा, पता है, सुनने के लिए मेरे से ये ऐसी हरकतें करता है। लेगा नहीं बट सुनने के लिए जरूर करेगा। नाइस। गर्मी हो रही है, नहीं मत, क्योंकि फिर अंडे आ जाएंगे ना तो फिर अपन बहुत खाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब यहाँ से कुछ नहीं चाहिए अपने को, घर में बहुत कुछ है अपने। नहीं कप सेट भी नहीं चाहिए। काय को कप सेट? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए। फिशेस देख लो दोस्तों, हाँ 1100 रुपये सिल्वर, 1700 रुपये। हाँ 400 साढ़े 400 का एक है वो। अच्छा। और ये 200 150 200 ग्राम रहेगा, तो मतलब ये लगभग 220 रुपये तक दो एक सॉरी मार्केट से। मार्केट में सस्ता पड़ता है ना। सुनो वो इतना फ्रेश लग भी नहीं रहा है, नहीं मार्केट वाला बेटर रहता है। रेन कोट्स मिल रहे हैं दोस्तों, 150 के है, 189 का है, सही है। पर्दे मस्त मस्त है, कलर अच्छे हैं। चलो अपना राशन वाला चीज हो चुका है, ये सब एक्स्ट्रा है जो कि अपने को नहीं चाहिए। मस्त मोटा वाला हाँ पिलो तुमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे वैसे टाइप के पिलो रहते हैं दोस्तों, ऐसे मुंडी डालो और सो जाओ। तो वो वैसे टाइप का जो अमू बोल रहा है ना, जो होटल्स वगैरह में होते हैं, वो एकदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो सब मेरे ख्याल से नॉर्मल शॉप्स वगैरह में मिलेगा। नहीं यहाँ से कुछ नहीं चाहिए किचन वाले आइटम। दोस्तों काफ़ी बड़ी लाइन है यार। फाइनली दोस्तों हमारा नंबर आ गया है, 45 मिनट्स तो वेट किया है हमने। हो गया दोस्तों, सब सेट भी कर लिया है इसमें। चलो अब ऑटो देखनी पड़ेगी अपने को। एक बार बिल देख लो ना ऊपर ऊपर से। हमारे साथ हुआ है तो डबल डबल लग गया है एक बार, इसके लिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं खड़े खड़े यहीं पे। सही है चलो। मुँह वहाँ ऑटो दिख रहा है दोस्तों, मैं यहाँ खड़ी हूँ अंदर, ऑटो नहीं है यार कब से। तो आगे घर के पास में मुँह ने देखो क्या किया है, गीले में ही थैली रख दी है। यहाँ पे हमने मंगाया शौरमा। बहुत देर तक एक तो लाइन में खड़े रहना पड़ा था, 2-3 घंटे तो हमारे चले गए। शौरमा मंगाया ग्रिल एंड स्मोक का, इनका अच्छा रहता है, तब हाइजीन अच्छे से बनाते हैं लोग। दोस्तों यहाँ पे अम्मू ने मस्त चिकन ऑर्डर किया है, सस्ता आ रहा था। कितने में आया जान? ऑफर था 204 रुपये में आया। 204 रुपये में 1.5 किलो है, सही है। आधा किलो कितने का आ रहा था? 79। और हमने ग्लास भी ऑर्डर किया बिकॉज हमारे घर में ना दोस्तों ग्लास ही नहीं है। नहीं ऐसे बोला, हमारे घर में दोस्तों ग्लास टूट जाते हैं। देखो कैसे पकड़ा है मैंने। अच्छा है ना जान, क्वालिटी अच्छी है। ये भी सस्ता मिला है दोस्तों। चिकन मस्त भी धो लूँगी थोड़ी देर में। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, काट रही हूँ अदरक, साथ में देख रही हूँ बिग बॉस। सब निपटा के फिर मुझे बैठना है एडिटिंग पे। दोस्तों म्याऊ का खेल देखो कितना पसंद है, देखो इसको, ये आजा आजा, देखो देखो बंदर नाच रहा है, देखो हमारा बंदर नाच रहा है। ले ले बंदर, ले ले, इधर आ, इधर आजा बंदर, बंदर इधर आ, ओह माय गॉड। बंदर इधर, बंदर इधर, बंदर इधर, एक्सरसाइज हो जाएगी, समझ गया बंदर इधर, ये समझ गया यार। बंदर इधर, इधर आ बंदर, इधर आ बंदर, इधर समझ गया वो गेम डफर बना रही है। इतना पसंद है मेरे छोटू को। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा काला मसाला वाला चिकन बनाया मैंने। जो चिकन आया था ना वही दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है मस्त है ना। चिकन है उसके साथ में राइस है। दोस्तों खाना खा लो मस्त टेस्टी शोना के हाथ का। आज शोना ने सामने से बोला मैं बोर हो गई हूँ यार खिचड़ी खा खा के, मुझे चिकन खाना है, तो मैंने चिकन ऑर्डर किया था। मैं बोलता नहीं हूँ जान के, तुमको बनाना पड़ेगा इसलिए मेहनत है इसमें। अच्छा है ना, बहुत अच्छा, काफ़ी मज़ेदार टेस्ट लग रहा है दोस्तों। लेकिन ऑनलाइन चिकन भी अच्छा है, इसका रेलिश का अच्छा रहता है, बाकी का पता नहीं, इसका तो अच्छा रहता है। चलो दोस्तों डिनर करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।